था प्लस कॉस अल्फा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा then prove that sin alpha plus cos alpha is equal to root 2 cos 2 tan theta is equal to sin alpha minus cos alpha upon sin alpha plus cos alpha prove that sin alpha plus cos alpha is equal to root 2 cos theta थीटा की टर्म्स में हमने आंसर दिया यहाँ टेन है इधर वाले को भी हम टेन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन की टर्म्स में तो कॉस अल्फा से चारों टर्म्स को डिवाइड कर तो दैट विल बी टेन अल्फा माइनस वन अपॉन क्या फॉर्मूला तो यहाँ से मेरे पास से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई चारों टर्म्स टेन बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास टेन था राइट हैंड साइड पे भी हम टेन बना रहे हैं क्या बना फॉर्मूला टेन फोर्टी फाइव माइनस अल्फा के लिए वन माइनस टेन अल्फा होना चाहिए तो माइनस कॉमन ले लू ये बन गया अब यहाँ लगा दो tan theta is equal to tan with negative sign है pi by 4 minus alpha ठीक है अब tan जो है वो cut करने के लिए minus tan theta is tan of minus theta तो negative sign में अंदर लेंगे यहाँ पे क्या बन गया alpha minus pi by clear है step हाँ जी यहाँ पे tan of 45 अगर यहाँ पे tan थीटा माइनस वन होता है तो ये उल्टा होता है तो ये थीटा अल्फा माइनस पाई बाय 4 अब tan है दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा थीटा किसके इक्वल आ गया मेरे पास अल्फा माइनस पाई बाय 4 अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है cos थीटा तो टेकिंग cos ऑफ बोथ साइड and then cos of a minus make the formula cos a cos b plus sin a sin b cos and sin दोनों pi by 4 में that is 1 by root 2 1 by root 2 common ले लो root 2 उधर चला जाएगा और जो मुझे रिजल्ट प्रूव करना था वो आंसर ये चीज आपने जनरल जो वैल्यूज वाले हैं क्वेश्चंस दैट वन आर द रिलेटेड वंस तो वो आपने नहीं करने हैं जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन बिलीव पहले नेक्स्ट लिखो हो गया ये समझ आ गया अब नेक्स्ट में मुझे गिवन है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 बाय 5 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 बाय 5
साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 13। Where alpha lies between 0 and pi by 4. Then find the value of tan 2 alpha. Find the value of tan 2 alpha. हमें tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या है cos of अल्फा प्लस बीटा एंड sin of अल्फा माइनस बीटा। tan के जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आते थे हम क्या करते थे राइट हैंड साइड को भी cos की टर्म्स में या sin की टर्म्स में लिख के उनको कैंसिल आउट करके हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाते थे हम सिंपलीफाई करते थे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे tan 2 अल्फा की जो मुझे वैल्यू निकालनी है इसको मैं लिख लूंगी अल्फा प्लस ठीक है क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इसको मैं प्लस बीटा और माइनस बीटा कर दूंगा यहाँ पे तो ये और ये तो टैन ऑफ एक्स प्लस वाई वाली फॉर्म बन जाएगी क्या फॉर्मूला होता है टैन एक्स प्लस टेन वाई tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 3/4 sin ऑफ tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा 12 30 एक वैल्यू अपॉन नहीं फाइव अपॉन ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन बी ठीक है आगे सुनो ये 3/4 करते हैं देखो ये मुझे cos किसके इक्वल गिवन होता है b by h के तो b कितना हो गया यहाँ से 4 5 को कितना हो गया 5 ट्राइंगल बनाएंगे आपने ये 4 की बने ये 5 की बने तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा 3 4 5 का ट्रिपलेट वो बनता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3/5 हाँ ये 5/13 और 12 का बनता है तो अब इसमें ये आपका परपेंडिकुलर था ये आपका बेस था ये बेस था ये परपेंडिकुलर था ये हाइपोटेन्यूजर 3 आ गया cos किसके इक्वल होता है आपका tan निकालना tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 3 अपॉन 4 ठीक है सेम वे भी यहां यस क्या है वैल्यू 6/11 नहीं 4 क्या 10 अल्फा प्लस अल्फा अब मुझे क्योंकि प्लस थीटा माइनस थीटा वाली फॉर्म में जो है वैल्यूज गिवन है तो मैंने प्लस थीटा माइनस थीटा एक प्लस थीटा मैंने अल्फा के साथ लिया एक माइनस थीटा लिया तो अल्फा प्लस थीटा अल्फा माइनस थीटा वाली फॉर्म आ गई। अब ये फॉर्मूला मेरा बन गया टैन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या फॉर्मूला होता है टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन वन माइनस टैन एक्स टैन वाई एक्स की जगह क्या है अल्फा प्लस बीटा वाई की जगह क्या है अल्फा माइनस थीटा। अब ये वैल्यूज है मेरे पास वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा मधु समझ आ गया बाकी डन
क्या कह रहे हैं आप? चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, यू विल डू योर सेल्फ. साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, इजी सा भी है, हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो ये आ गया आपका, हाँ 14/12 अपॉन में 3x plus sin 2x minus sin x equal to 4 sin x cos x by 2. Cos 3x this you have to do yourself. नहीं जी अभी करेंगे.